गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज क्या बात चलिए स्टार्ट करें क्लास और प्रीवियस क्लास में मैंने डिवेंचर एज ए डिवेंचर एज ए क्लेटर सिक्योरिटी का वीडियो बनाया था और वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके जरूर देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो में भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन ये रहता है कि डिवेंचर में कहाँ पे क्या क्या किया जाए ये क्वेश्चन है जो डिवेंचर के केसेस आते हैं रिडम्पशन के डिवेंचर में इशू करते समय हमने रिडम्पशन के सारी चीजें कर दी है। तो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है इशू ऑफ डिचर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो उसके पॉइंट्स हैं हमारे व्यू ऑफ रिडम्पशन के पॉइंट से तो ध्यान रखें जब कंपनी डिवेंचर को इशू करती है तो उसके साथ साथ दो चीजें तय करती है एक जैसे मैं बात करता हूं अगर मुझे मान लेते मैं कंपनी हूं मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ पाँच करोड़ का या हजार करोड़ का तो दो चीजें आती है भाई हजार करोड़ का लोन मैंने जो लिया है वो वापस कब करूंगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा ऐसी डिवेंचर को जब हम इशू करती है कंपनी तो जो बंदे उस कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं क्योंकि डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं कंपनी के लैंडर होते हैं जो कंपनी को क्या कर देते हैं लोन देते हैं तो उन्हें फिक्स रेट से क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है तो वो जानना चाहते हैं कि भैया मेरा पैसा मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा और ये पैसा कितने साल में कंपनी मुझे वापस करेगी तो कंपनी जब डिवेंचर को इशू करती है तो रिडम्पशन की डेट भी तय कर देती है कि इतने साल बाद इसको हम करेंगे और इस वैल्यू को आपको बताता हूं इशू और डिवेंचर की बात करता हूं वो तीन तरीके से डिवेंचर इशू किए जाते हैं एक किया जाता है इशूड एट पार और दूसरे तरीके से क्या जाता है इशू एट प्रीमियम और एक क्या जाता है इशू एट डिस्काउंट अब ये चीजें मुझे आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि पार प्रीमियम डिस्काउंट आपने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया है पार क्या होता है जब फेस वैल्यू पे किया जाता है प्रीमियम होता है फेस वैल्यू से ज्यादा पे किया जाता है और जब फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है तो कहते हैं डिस्काउंट तो कंपनी ना डिवेंचर तीनों केसेस में किसी में भी कर सकती है उसे पार वैल्यू पे भी इशू कर सकती है प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी इशू तो कर सकती है इशू का मतलब है मैं अपनी चीज घाटे में भी बेच सकता हूँ प्रॉफिट में भी बेच सकता हूँ और नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बेच सकता हूँ डिवेंचर की बेसिकली क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो सौ रुपए फेस वैल्यू होती है कितनी होती है सौ रुपए क्वेश्चन में वैसे गिवन होगा कई जगह पांच सौ का भी हो सकता है कई जगह क्वेश्चन में हजार का भी मिल सकता है पर अगर क्वेश्चन में कोई चीज मेंशन नहीं है सौ रुपए का ज्यूम करेंगे कितना मानेंगे इसे सौ रुपए का तो जब सौ रुपए पे, पे इशू किया जाएगा तो कहा जाएगा इशू किस पे किया गया है एट पार पे जब सौ रुपये से ऊपर पे किया जाए तो कहा जाएगा इशू एट प्रीमियम तो यहां पे क्या जाएगा बीस रुपए प्रीमियम के आ जाएंगे सौ रुपए से ऊपर है और अगर नाइन्टी पे इशू किया गया है तो टेन रुपीज क्या आ गया डिस्काउंट तो इशू करते समय तो आपकी एंट्रियां हर एक केस में कॉमन होंगी ठीक है अब आता है रिडम्पशन रिडम्पशन में सिर्फ दो ही केस बनते हैं रिडम्पशन में इशू करते समय कितने केस बनेंगे तीन और रिडम्पशन करते समय कितने बनेंगे दो, दो। तीन इंटू दो करोगे तो कितना आ जाएंगे छह तीन इंटू दो पांच केस हो जाएंगे भाई

पर मैं दूंगा आपको एक लाख ही आपको सालाना इंटरेस्ट बारह परसेंट का दूंगा तो आपको फायदा है मेरे से। क्योंकि मार्केट रेट बारह का नहीं है और मैं आपको बारह का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूं क्लियर हो गया तो मैंने क्या ये आपसे एक लाख लिए और तीन साल बाद कितने देने का वादा कर रहा हूं एक लाख यानी कि Redemption में कितने पे कर रहा हूँ पूरे एक लाख पे ही कर रहा हूँ केस? केस तुम एक लाख दो तीन साल मैं सालाना इंटरेस्ट आपको दस परसेंट का दूंगा और तीन साल बाद एक लाख तीस हजार दूंगा फायदे में तब भी हुआ कि यार एक लाख तीस हजार भी मिल रहे हैं और साल का दस परसेंट का इंटरेस्ट भी मिल रहा है आप लगाओगे नहीं लगाओगे तीसरा केस क्या तीसरा केस होता ही नहीं है कि आप मेरी कंपनी में एक लाख लगाओ तीन साल बाद अस्सी हजार ले जाओ कौन लगाएगा अभी पैसा कोई नहीं लगाएगा तो केस होता ही नहीं है कि कभी कभी भी पे नहीं नहीं होते हो 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 सकते 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 हैं हैं समझ में आ गया? दोबारा है? Yes सर, or no? तो आप किसी भी जगह पे पैसा लगा रहे हो अगर बैंक में एफडी करने जा रहे हो मान लो और आप तीन साल बाद मेच्योरिटी लेते हो एक लाख लगाए एक लाख मिल गए तो भी आप संतुष्ट हो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको आपने एक लाख लगाए एक लाख बीस हजार मिल गए तीस हजार मिल गए फायदा है आप लगाओगे एक लाख के सत्तर हजार मिलेंगे तो आप कभी नहीं लगाओगे तो कभी भी डिस्काउंट पे रिडमशन नहीं होते हैं तो आपको ध्यान रखना है हर एक के दो केस बनेंगे यानी कि जब रिडम्शन की बात करूंगा तो इसके भी दो तरीके से होंगे ठीक है तो ये रिडम्शन कितने तरीके से होगा दो तरीके से इसका भी दो तरीके बनेंगे इसके भी दो तरीके यानी कि हर एक के दो दो बन जाएंगे तरीके ठीक है तो रिडम्शन की बात करते हैं तो रिडीमेबल कैसे हो जाएगा रिडम्शन कैसे होगा रिडीमेबल अब किस पे होगा बहुत ही शॉर्ट्स बता रहा हूँ इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत से लोगों में स्कूलों में जो भी होता है वो एंट्रिया रटवाई जाती है तो मैं एंट्री नहीं रटनी समझ नहीं है बताओ मैंने क्या बताया एट पार पे बताया और किस पे बताया एट प्रीमियम पे फिर क्या बताया एट पार एट प्रीमियम At par और एट प्रीमियम समझ में आ गया जब आप इशू करते हैं जब आप इशू करेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है इशू करते समय आप रिडम्शन को भूल जाएंगे और रिडम्शन करते समय इशू को भूल जाएंगे बस यही रूल है इसका ठीक है जब रिडम्शन करोगे तो इशू को भूल जाओ और जब इशू करोगे तो रिडमशन को भूल जाओ सर अभी भी समझ में नहीं आया बड़ा सिंपल सा फंडा है मैंने बताया सौ रुपए का चीज जब सौ रुपए भी इशू किया गया तो कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस कोई लॉस नहीं हुआ प्रॉफिट की कोई एंट्री होती नहीं लॉस की एंट्री करनी होती है हमें तो यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस हो नहीं रहा यहाँ देखो जब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमें बीस रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ठीक है यहां पे दस रुपए का क्या हो रहा है लॉस ठीक है ये तो समझ में आ गया इशू करते समझ में समझ में आ गया लेकिन जब आप रिडम्शन करेंगे रिडम्शन जब एट पार करोगे तो यहाँ पे क्या होगा नो प्रॉफिट नो लॉस प्रीमियम पे करोगे तो लॉस होगा मान लेते हैं एक सौ दस रुपए पे कर रहा हूं मैं सौ रुपए लिए थे एक सौ दस रुपए दूंगा तो लॉस कितने का होगा दस यहां पे मैं सौ रुपए पे कर रहा हूं तो यहां पे क्या हो रहा है नो no प्रॉफिट और नो लॉस अगर मान लेते हैं एक सौ पंद्रह पे कर रहा हूं तो बताओ कंफ्यूजन हो रहा है एक सौ बीस पे किया है एक सौ पंद्रह पे दे रहा हूं कितने का मैंने आपको अभी एक जस्ट सेकंड पहले एक बोला था जब इशू करोगे तो रिडम्पशन भूलोगे रिडम्पशन करोगे तो इशू भूल जाओ अब आपको सौ रुपए से ऊपर आप दे रहे नहीं दे रहे हो यहां पे कितने का दे रहे थे आप एक सौ दस तो लॉस कितना हुआ था यहाँ पे जब एक सौ पंद्रह लॉस कितना होगा? लॉस कितने का होगा यहाँ लॉस पच्चीस और एक सौ बीस दूंगा तो बीस तो? तब एक सौ बीस से कोई लेंद्र नहीं है उसका ठीक है और एक सौ तीस करूंगा तीस एक सौ पांच करूंगा पांच क्लियर हो गया सबको तो मैंने कितने पे इशू किया उसे भूल जाओ मैंने आपसे एक लाख बीस हजार लिए लेकिन मेच्योरिटी पे एक लाख पांच हजार दे रहा हूं अब बताओ एक लाख बीस हजार लिए मेच्योरिटी पे एक लाख पंद्रह हजार दे रहा हूं प्रॉफिट या लॉस लॉस है पंद्रह हजार का सौ रुपए से ही कैलकुलेट करना है बस ये स्टूडेंट यही गलती करता है एग्जाम में ठीक है जब इशू करोगे तो रिडम्शन से कोई ले देना नहीं है जब रिडम्शन करोगे तो इशू से कोई लेना नहीं आप सौ रुपए से कैलकुलेट करेंगे हर एक चीज को सौ से ज्यादा देंगे पेमेंट तो लॉस सौ से कम देंगे तो फायदा सौ से कम कोई लेगा ही नहीं और सौ रुपए देंगे नो नो प्रॉफिट लॉस इस केस में डिस्काउंट एट पार पे नब्बे रुपए लिए सौ रुपए दे रहा हूं मैं आपको प्रॉफिट या लॉस गधे कुछ नहीं है नो प्रॉफिट नो लॉस एट पार पे क्या होगा एट पार पे मैंने क्या कहा नो प्रॉफिट नो no लॉस अब मान लेते 120 सौ बीस रहे यहां पे अब बताओ कितने का 20 रुपए का 20 का लॉस जो लॉस कितने का हुआ मुझे 20. ध्यान रखे नो no लॉस no के लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे अलग से इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे हमें जो पास करनी है वो एंट्री कौन सी करनी है सिर्फ ये वाली एंट्री पास करनी है. बस कुछ नहीं है ये टॉपिक खत्म हो गया इसका बेसिक्स मैंने आपको करा दिया अब जनल एंट्रिया कराऊंगा और जो ऑनलाइन बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए जाना नहीं है अब बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए यस सर ठीक है तो केस वन, केस छह आगे टोटल इसी तरीके से आप पहले केस से ही आप इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे फिर इसी बीच में मैं आपको वीडियो के किसी भी बीच में स्किप करके ना देखें एक ऐसी एंट्री बताऊंगा मास्टर एंट्री जो सभी एंट्री में फिक्स हो जाएंगी छह की छह केस में छह के चेके छह केस में एक ही एंट्री सर पहले ही बता दो छह केस भी तो समझ लो वो एंट्री मास्टर एंट्री है और छह केस में सबसे पहले फर्स्ट केस से क्लियर होना शुरू हो जाएगा पहली एंट्री से क्लियर होना शुरू हो जाएगा तो पहला केस क्या है पढ़ो क्या कह रहा है ठीक है और रिडीमेबल एट पार मैंने आपको बताया था मैं एक ही डिवेंचर का लेके चल रहा हूं एक लो एक हजार लो एक लाख लो एक ही बात है एक डिवेंचर का समझ में आ जाएगा अगर हजार डिवेंचर है तो हजार से मल्टीप्लाई कर दो पांच हजार डिवेंचर है तो पांच हजार से मल्टीप्लाई कर दो तो मान लेते हैं जो डिवेंचर इशू किए गए इशू कितने पे किए गए एट पार कह रहा है ना तो इशू किए गए सौ रुपए पे और रिडीमेबल भी इस पे है एट पार रिडीमेबल किस पे है

पैसा जब डिवेंचर इशू करेगी कंपनी तो पैसा आएगा एंट्री क्या बनेगी पहली एंट्री ये कॉमन एंट्री है सभी केसेस में एक ही रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट चाहे प्रीमियम पे इश्यू करो पार पे करो डिस्काउंट पे करो सब पे सेम रहेगी एंट्री क्या कहा मैंने पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे यही वाली एंट्री सेम रहेगी तो एक ये जो क्वेश्चन आएगा चार मार्क्स में आएगा दो मार्क्स तो तुम ले गए अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अगर समझ में नहीं आई तो बताना बींग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव ये समझ में आ गई एंट्री इशू कितने पे किया बताओ सौ पे अगर मैं प्रीमियम पे इशू करता किस पे करता तो यहां पे एक सौ दस रुपये आ जाता तो यहां पे कितना आता एक सौ दस एंट्री सेम अगर मैं डिस्काउंट पे करता हूं तब क्या होगा एंट्री सेम नब्बे रुपए आ जाएगा समझ में आया के अगर मैं ले लेता मैं एक पे कर रहा हूं या नब्बे पे कर रहा हूं कुछ भी करूं पार प्रीमियम डिस्काउंट एंट्री यही रहेगी पहली एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर yes, ठीक है ना चाहे मैं इसको प्रीमियम पे इश्यू करूं पार पे करूं डिस्काउंट पे करूं पहली एंट्री क्लियर हुई नहीं हुई ना इसका मतलब सारा खेल किस एंट्री का है सेकंड एंट्री का सारा खेल किस एंट्री का है सेकंड एंट्री का सेकंड एंट्री में ये जो क्रेडिट अमाउंट है इसे उतनी अमाउंट से डेबिट करेंगे जो हमने यहां पे लिखा है ना वही हमें यहां लिखना है ये क्या है बताओ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अब यहां पे एंट्री चेंज होती है टू परसेंटेज डिवेंचर्स ध्यान रखें परसेंटेज डिवेंचर क्वेश्चन में लिखा होगा सात परसेंट नौ परसेंट ग्यारह परसेंट बारह परसेंट उसके आगे लिखा होगा और कुछ भी कर लेना इसकी वैल्यू सौ ही रहेगी चाहे प्रीमियम पे इश्यू करो पार पे करो डिस्काउंट पे करो कुछ भी करो इसकी वैल्यू क्या रहेगी सौ समझ में आ गया yes, पहला केस समझ में आया दूसरा ये वाला भी समझ में आ गया, गया एंट्री अब यहां पे वो अमाउंट लिखोगे जो यहां लिखा है यहां कितना लिखा था 100 तो यहां 100 ही लिखोगे अगर यहां 120 लिखा है तो यहां क्या लिखोगे 120 और 90 लिखा है तो क्लियर आ गया अब पार पे तो यही रहेगी प्रीमियम पे एस आ जाएगा और 90 वाले पे क्या आ जाएगा डिस्काउंट क्लियर हो गया अब आपको सेकेंड एंट्री पास करनी है रिडीमेबल एट Redumable किस पे हो रहा है सौ रुपए तो जब नो प्रॉफिट नो लॉस तो कोई एंट्री नहीं करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोई एंट्री पास नहीं होती सौ रुपए डेबिट है सौ रुपये क्रेडिट है खत्म ठीक है नरेशन लिख लो इसकी बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन बनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट कॉपी कर लो इसको फटाफट yes, यहां पे केस वन मेरा क्लियर हो गया और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं अभी मैं इस, इस केस टू में यहां बगल में ही करा देता हूं समझ लेंगे इसको श्रेय यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही देखना ठीक है चलिए अब केस टू ले लेते हैं आप बता देना यहां पे कहीं दिक्कत आ रही हो तो केस टू क्या केस टू दिख रहा है सही है तो अब केस टू भी ले, ले लेते हैं क्वेश्चन सेम है अब केस टू में मैंने बताया था ना पार के दो केस बताए थे Redemption किस पे बताया मैंने पहला सौ रुपए पे ये रिडीमेबल किस पे है एट पार पे अब रिडीमेबल किस पे हो जाएगा एट प्रीमियम पे इशू तो वही रहेगा केस टू में क्या जाएगा वेन डिवेंचर्स इशूड एट पार और यहां पर आ जाएगा रिडीमेबल एट प्रीमियम इशू कितने पे किया गया है सौेंचर so, गायब हो गया डिवेंचर्स गायब हो गया वापिस ले आते हैं उसे चर इशूड एट पार डिवेंचर इशूड तो एट पार पर ही होगा बट रिडम्शन एट प्रीमियम पे हो जाएगा हरेक के दो दो केस करने हमें पार वाले के भी प्रीमियम वाले के भी और डिस्काउंट वाले के भी तो वेन डिवेंचर इशूड एट पार और यहां पर क्या जाएगा रिडिमेबल हाँ जाएगा। कोई बात नहीं रिडिमेबल एट प्रीमियम अब ठीक है चलिए अब यहां देखें इशू कितने पे कर रहे हैं यहां पे सौ रुपये पे और रिडम्शन कितने पे कर रहे हैं एक सौ दस तो मैंने आपको जैसे यहां पे केस सिखाया था यहां तो सौ रुपए वाला केस था तो सौ रुपए ही रहने देंगे ठीक है अब यहां ये वाली एंट्री तो सेम ही मैंने बताई थी आपको ये वाली एंट्री क्या बताई थी मैंने सेम Same. तो क्या एंट्री बनेगी एंट्री तो ये फर्स्ट सेम ही हो जाएगी क्या एंट्री बनेगी बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ठीक है और नरेशन नहीं लिख रहा हूं। नरेशन वही वाली कॉपी कर लेना हंड्रेड रुपीज यहां तक समझ में आ गया सेकेंड एंट्री में मैंने आपको बताया था ये वाली एंट्री तो पहले कॉपी करो क्योंकि जो डिवेंचर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट कितने से किया है सौ so, तो इसे क्या करोगे डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से सौ so, और मैंने कहा था कुछ भी करो इसकी वैल्यू क्या रहेगी हंड्रेड ही रहेगी डिबेंचर अकाउंट 100 यहां तक समझ में आ गया yes, अब आपको क्या करना है क्योंकि यहां पे आप कितने से रिडम्शन कर रहे हो 110 तो कितने का लॉस हो रहा है दस रुपए का आपको क्या हो रहा है लॉस इस दस रुपए की लॉस की एंट्री आपको पास करनी है तो लॉस क्या होता है डेबिट या क्रेडिट लॉस ऑलवेज डेबिट और लॉस किस पे हो रहा है रिडम्शन पे लॉस किस पे हो रहा है रिडम्शन पे ठीक है ना तो और ये लॉस कब हो रहा है इशू करते समय ही हमने तय कर दिया ये जो लॉस है इशू करते समय हमने तय कर दिया कि हम कितने रुपए का पेमेंट करेंगे आज से तीन साल बाद पांच साल बाद जो भी है तो हमने तय क्या किया है कि सौ रुपए ले रहे हैं और एक सौ दस रुपए आपको देंगे तो यहां पे आएगा लॉस ऑन इशू क्या आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट दस रुपए यही

तो आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या आ जाएगा यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दस रुपए बस खत्म क्या ये केस समझ में आ गया या दोबारा समझाऊ आ गया पहली एंट्री तो सेम हो गई दूसरी एंट्री में जो लॉस कितने का हुआ दस रुपए तो यहां लिखा लॉस ऑन इश्यूडिचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये एंट्री हर जगह आएगी बस अब तुम्हारी हर केस में ठीक है और अब यहीं पे मैं आपको दूसरा केस दो केस हो गए अब केस नंबर थ्री और जो ऑनलाइन बेटा यहां पे स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका अब इशू कर रहे हैं हम इसको एक सौ दस रुपए पे और रिडम्पशन कर रहे हैं सौ पे नहीं वो तो हो गया इशू डेट हुई है ना और ये केस फोर इशूड चलिए स्टार्ट करें खोल दे खुली पड़ी है भैया चलिए चलिए स्टार्ट अब यहां देखें केस थ्री केस थ्री में क्या हुआ इशू अब कितने पे कर रहे एक सौ दस रिडंक्शन कितने कर रहे हैं सौ तो रिडंक्शन को भूल जाओ पहली वाली एंट्री क्या है इशू वाली इशू पे अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे तो यहां पे कितना अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे समझ में आ गया और मैंने बताया था जो क्रेडिट है उसी अमाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट और यहां डिमेंशन की वैल्यू कितनी रहेगी सौ और यहां पे क्या आ जाएगा टू एस पी आर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप पूरा अमाउंट लिख सकते हैं यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का अमाउंट आएगा क्या ये समझ में आ गया इशू वाला केस इशू की के दोनों एंट्री समझ में आ गई अब रिडम्शन बताओ कितने पे हो रहा है रिडम्शन कितने पे हो रहा है यहां देखो प्रॉफिट और लॉस कुछ हो रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस जब नो प्रॉफिट नो लॉस तो कोई एंट्री नहीं क्लियर है बस यही वाली एंट्री होगी समझ में आ गया अला केस yes, अब केस नंबर फोर कि अब हम इशू तो प्रीमियम पे कर रहे हैं रिडम्पशन भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ये वाली एंट्री पहले तो इशू की एज ए टीज उतार लो ये वाली जो एंट्री है एज ए टीज क्या हो जाएगी कॉपी हो जाएगी यहां पे बताओ कितना आएगा अमाउंट 110 सो दस इसकी वैली कितनी रहेगी 100 ये कितनी रहेगी 110 और यहां पे क्या जाएगा टू एस पी आर क्या जाएगा एस पी आर कितने का दस क्या ये समझ में आ गया? गया? गया ये वाली एंट्री हमने एज इट इज वहां उतार ली इस केस में भी अब बताओ रिडम्पशन कितने पे कर रहे हैं एक सौ पंद्रह पे कितने का लॉस हो रहा है पांच या पंद्रह पंद्रह या पांच की ग्र भी आवाज आई थी पंद्रह का हो रहा है सौ को भूल जाओगे इशू करते समय भूल जाओ जब आप रिटेंशन करेंगे तो मैंने आपको बताया था उसको भूल जाओ अब यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है इसे भूल जाओ अब बताओ कितने का लॉस दिख रहा है पंद्रह का दिख रहा है ना तो लॉस को क्या करते हैं पंद्रह रुपए को डेबिट और पंद्रह रुपए को क्रेडिट यहां पे क्या लिखोगे बताओ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन डम्शन क्या लिखोगे अब बताओ क्लियर हो गया नहीं हो गया, गया प्रीमियम ऑन डमशन क्लियर है और फिर देखो कोई डाउट है तो पूछो मेरे से कोई डाउट अब आपने चार केस सीख के लिए हैं अब बच्चे में दो केस बहुत आसान हो गए अब ये केस नंबर यहाँ पे आ जाएगा फोर और यहाँ पे केस नंबर क्या आ जाएगा फाइव। ठीक है सॉरी तो फाइव और सिक्स तो 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 आएगा ना कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर सिक्स अब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं रिडीमेबल एट पार पे हो रहा है तो देखो जब मैंने आपको पहली एंट्री बताई थी तो मैंने कहा था जो भी आपको इश्यू करते समय पैसा आ रहा है सबसे पहले वो लिख दो कितना आ रहा है नाइनटी क्लियर है यहां तक ये जो 90 क्रेडिट है ये 90 क्या हो जाएगा डेबिट यहाँ कितना आएगा कसम कितनी खाई है 100 की दस रुपए का लॉस हो गया तो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्या क्लियर हो गया केस कोई डाउट है किसी को कोई कंफ्यूजन चलिए अब यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे भी नाइन्टी और नाइन्टी तो यहाँ कितना आएगा सौ नाइन्टी और यहां क्या आ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट अब बताओ क्या ये वाली केस क्लियर के हो गया नहीं हो गया केस हमारा वहीं आ गया yes, अब यहां पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कह रहा है नब्बे पे इशू कर रहे हैं रिडम्पशन एक सौ दस पे कर रहे हैं लॉस कितने का हो रहा है बीस या 10? दस पक्का तो यहां पे हमने पार वैल्यू से ऊपर देखते हमेशा और हमारी वैल्यू कितनी है सौर कितना गया यहाँ पे दस रुपए का लॉस तो अब लॉस के लिए मैंने क्या बताया बताओ बिल्कुल बताओ ना यहाँ पे दस रुपए डेबिट दस रुपए क्रेडिट तो यहाँ क्या लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और यहाँ क्या लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडमशन समझ में आया नहीं आया yes, sir, sir. अच्छा इन दोनों को आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो यहाँ पे बीस रुपए लिख सकते हो और बीस रुपए को लॉस ऑन इशू ऑफ डिचर भी लिख सकते हो आप और चाहो तो अलग अलग भी कर लो जैसा आपका मन करे वैसा करो दोनों ही एंट्रिया सही मानी जाती है क्या यहाँ क्लियर हुआ च्छे के च्छे yes, है छह yes, के छह केस बहुत आसान है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए yes, अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है आपको टी एस ग्रेवाल के करने हैं और वो क्वेश्चन आपको अगर डाउट आएगा तो मैं जरूर कराऊंगा वैसे तो मैंने केस समझा दिए केस मैंने हंड्रेड रुपीज लेके चलाऊ आपको जो भी केसेस हैं वो लेके चल सकते हैं एक क्वेश्चन के बाद कराना चाहो तो मुझसे करवा लेना ठीक है तो यहां पे क्लियर होता है अब वो जो फाइनली उस एंट्री का इंतजार है जो मास्टर एंट्री है जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा आपको तो वो मास्टर एंट्री क्या है इसी सारी एंट्रियों का एक ही एंट्री का निचोड़ बन जाता है चाहे जा वो कुछ भी हो जाए ये एंट्री आपकी कॉमन हो जाती है सारी ठीक है तो जब इशू करते समय मैंने आपको एक चीज बताई थी इशू करते समय आपको चीज का ध्यान रखना है कोई सा भी केस आए कोई सा भी केस आए उसमें सारी एंट्रिया मिक्स हो जाती है हमारी सौ रुपए पे भी, भी कर सकते हैं एक सौ दस पे भी कर सकते हैं और नब्बे पे भी, भी कर सकते हैं okay. रिडीमेबल जो होगा या तो वो सौ पे होगा या एक सौ दस एक सौ पंद्रह एक सौ बीस किसी भी भी करता हूं, 100 पे भी करते हो सौ रुपए से ऊपर होगा यही दो केस बनते हैं इशू के तो तीन केस बनते हैं रिड़मचंद के सिर्फ दो ही केस बनते हैं और इनकी मास्टर एंट्री एक ही है पहली एंट्री तो इशू की करो बताओ क्या बनेगी इतनी सारी एंट्री कराने के बाद बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लियर है यहां पे कितना आ गया सौ या एक सौ दस या ये नाइनटी ऐसी तो होगा सौ एक सौ दस या देखो पहली एंट्री तो हर केस में क्लियर के हो गई यानी कि तीन के तीन केस में यह अली एंट्री ही होनी है अगर सौ रुपए आ रहे हैं सौ रुपए लिखो एक सौ दस आ रहे हैं एक सौ दस लिखो नब्बे आ रहे हैं तो नब्बे सेकेंड एंट्री मैंने आपको बताया था यह कॉमन एंट्री है डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स ये कितने से आएगा सौ ही रहेगा ये वैल्यू वैल्यू कितनी रहेगी सौ, सौ. रहे अगर यहां पे सौ रुपए पे, पे किया है तो सौ ही रहेगा खत्म लेकिन अगर यहां एक सौ दस पे किया है तो यहां पे क्या हो जाएगा टू एस पी आर आ जाएगा दस रुपए से लेकिन ये तब आएगा जब हम ये वाली एंट्री कर रहे हैं ठीक है जब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तब आएगा ये और जब हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने का दस रुपए का तो यहां पे मैं डबल स्टार बना रहा हूं तो ये समझ लेना ये डबल स्टार इसका ही है ठीक है सिंगल स्टार प्रीमियम का है डबल स्टार हमारा किसका है डिस्काउंट का क्लियर हो गया yes, अब हम जब हम प्रीमियम पार पे कर रहे हैं तो ये यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है लेकिन जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम का लॉस कितने का हो रहा है दस रुपए का क्या हो रहा है लॉस अगर पंद्रह पे करें तो पंद्रह का लॉस पच्चीस पे करें तो पच्चीस का लॉस तो यहां पे ये वाली एंट्री और हो जाती है, इसको मैं ग्रीन पेन से कर देता हूं ताकि तुम्हें अलग सी एंट्री नजर आए ये वाली एंट्री आती है अलग से ये वाली लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट दस रुपए का लॉस है और टू यहां पे आ जाएगा प्रीमियम ऑन

इसके एक आध क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आप जुड़े रहे मेरे साथ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल